अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है रियाद से जदा। यहाँ पर हम निकल चुके हैं जदा के लिए और हम बीच में रुके थे ब्रेकफास्ट के वास्ते। मैं ट्रैवल कर रही थी सैपो के बस से, एंड ये अरबिक प्लेस है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे वो गरम गरम नान, और क्या अच्छा मौसम था, ठंडा था काफ़ी वेदर। और ये लीजिए, मैं यहाँ पर बस में बैठ के खा रही हूँ। और ये मैंने जो ऑर्डर किया था ना, ये था मीट विच इज़ नोन एज गलगल। उन्होंने बोला है कि इसको गलगल बोलते हैं। ये मीट के छोटे छोटे पीसेस, इसको फैट के साथ और प्याज टमाटे इसके साथ उन्होंने अच्छा भुन के दिया था, और गरम गरम नान के साथ तंदूरी रोटी बेसिकली। और यहाँ हम निकल गए हैं ब्रेकफास्ट। मैं बस में ही कर रही थी, जोया वॉज स्लीपिंग। और मैं यूजुअली रात का सफ़र करती हूँ, लाइक रात में आधे से ज़्यादा सफ़र मेरा कट जाता है क्योंकि बच्चे रात में सो जाते हैं, सो दिस इज़ वेरी इजी टू यू नो हैंडल इट आउट। यहाँ पे हम जद्दा पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम जल्दी जल्दी से उतरेंगे सैपको के स्टेशन से, और फिर वी विल हेड टूवर्ड्स टू द होटल। हम होटल में स्टे कर रहे थे तो हम होटल जाएंगे यहाँ से। तो हम अपनी होटल पहुंच गए हैं। यहाँ पर आई एम स्टेइंग इन अडाजियो विच इज़ बेसिकली, इसमें आइबिस भी है एंड अडाजियो भी है। तो चलिए रूम में चलते हैं क्विकली। और ये बाय द वे जिदा का मौसम भी बहुत अच्छा था, वी इन्जॉयड इट। और ये होटल की खासियत ये है कि इसमें स्विमिंग पूल भी है, जहाँ पे लेडीज़ जेंट्स और बच्चे अलग अलग स्विम कर सकते हैं। लाइक लेडीज़ एंड जेंट्स का एक स्विमिंग पूल है और बच्चों का अलग। बेड वॉज सो कम्फर्टेबल बाय द वे। और इतने लंबे 12 घंटे के सफ़र के बाद आई नीड अ गुड यू नो प्लेस टू जस्ट स्लीप, जस्ट स्लीप, यस। और ये स्वीट था हमारा जो रूम था, और इसमें हर चीज़ अवेलेबल थी टू द एवरीथिंग, लाइक डिश वॉशर, एवरीथिंग एक्चुअली, कॉफ़ी मेकर, बर्नर, हर चीज़, इवन द प्लेट्स, क्रॉकरी, एवरीथिंग वॉज देयर। एंड वी गॉट अ रूम विद अ व्यू ऑफ अ पूल, सो वी वॉज इन्जॉइंग विद अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट ऑल टाइम। देन फॉर लंच वी क्विकली ऑर्डर अलबेक। अलबेक, ओ गॉड, जिदा के अलबेक नहीं खाया तो क्या खाया है। देन दे हैव डन सच अ स्वीट जेस्चर, रेस्टोरेंट वालों ने, होटल वालों ने बेसिकली, दे हैव सेंड अस सम फ्रेश फ्रूट्स विद फ्रेश जूसेस, सो वी वॉज इन्जॉइंग दैट एज वेल। एंड क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं और वहाँ पर ये होटल में किड्स प्लेइंग एरिया सेपरेट है, दे वर इन्जॉइंग, लाइक किड्स वर इन्जॉइंग, एंड वी वॉज अगेन इन्जॉइंग अवर कॉफ़ी बाय पूल। सो यस, देन वी हेडेड ओवर टू द रूम। फिर रूम में हमने मस्ती की, रेस्ट किया, अच्छा इन्जॉय किया। फिर हम डिनर के लिए, समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं, देन वी थॉट वाई नॉट लेट्स हैव रैमन नूडल्स, और जिसमें वी लव चीज़, तो चीज़ डाल के हमने फुल अच्छा इन्जॉय किया। सो ये हमारा दूसरा दिन है जहाँ पे ब्रेकफास्ट में वी डिड इन आवर रूम बाय द वे, और फ्रेश जूस, नूडल्स, इंडोमी, सम फ्रूट्स, कुकुम्बर, बस हम अच्छा इन्जॉय करके, हमें जल्दी जल्दी कॉर्निश जाना था बिकॉज जिद्दा, व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम रियाद तो जिद्दा में व्हाट आई मिस द मोस्ट इज़ जिद्दा का कॉर्निश। सो वी वेंट टू कॉर्निश। व्हाट वॉज सरप्राइजिंग कि इतने बेहतरीन कैफ़ेज़ खुल गए हैं यहाँ पर। वी आई एम अ कॉफ़ी पर्सन बाय द वे, एंड आई जस्ट गॉट सो एक्साइटेड सीइंग दैट। और अगेन वेदर बहुत ही अमेजिंग था जिद्दा का व्हेन वी रीच देयर। ठंडा था, ब्रीजी था, अच्छा था, इट वॉज़ नॉट हॉट। और हम ये आई थिंक 12 बजे का टाइम था, 12 o'clock का टाइम था, एंड वी इन्जॉयड द वेव्स एवरी। आप भी देख के इन्जॉय करिए,
द मोस्ट थिंग वी मिस इन रियाद इज द कॉर्निश, और सेकेंड फर्स्टली वी मिस मक्का एंड मदीना जो कि जद्दा से बहुत नज़दीक है और रियाद से काफ़ी दूर. तो वी मिस दैट फर्स्ट एंड देन वी मिस द कॉर्निश. और फिर हम गए अगेन ओवरडोज कैफ़े पे, जो कि इतना प्यारा लग रहा था वहाँ से बैठ के, लुकिंग एट द बीच द वाटर, एंड वी एंजॉयड अ कप ऑफ स्पैनिश लैटे. ओके, देन वी वर सो हंग्री सो वी हेडेड ओवर टू द रेस्टोरेंट, विलेज रेस्टोरेंट जो कि अजीज़िया में है, द विलेज रेस्टोरेंट. और यहाँ पे बेसिकली यू कैन फाइंड ऑल द क्यूजींस लाइक चाइनीज, इंडो चाइनीज, बेसिकली साउथ इंडियन, हर चीज़, ठीक है. देन दे वर अगेन काइंड इनफ टू इन्वाइट मी इन द रेस्टोरेंट अंदर किचन में, और आई जस्ट लव दिस, ठीक है. मुझे किचन्स में जाना बहुत पसंद है. आई जस्ट थिंक दैट वहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आई वॉज गिविंग पार्टी टू माई रिलेटिव्स, तो ये उनके लिए सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी. चिकन, चिल्ली चिकन और चिकन तवा चिकन वॉज अमेजिंग. प्राउन्स, सेसमी प्राउन्स, इट वॉज गुड टू, बट अ स्वीटर साइड पे था ये. बट तवा चिकन वॉज लाइक चेरी ऑन टॉप, लाइक इट वॉज द बेस्ट. एंड देन मटन बिरयानी और दाल, दाल फ्राई, ज़ीरा राइस, बटर चिकन, और वराइटी ऑफ नान, लाइक बास्केट ऑफ नान. दिस इज़ बटर चिकन, आई जस्ट लव इट. बटर चिकन इज़ गुड टू गो एनी टाइम. और बस हम अच्छा खासा डिनर लंच करके फिर हमने एंड में फालूदा मंगाया. फालूदा यू कैन टेक वन और यू कैन डू इट 1/2. तो हमने 2/4 कर लिया था फालूदा, बिकॉज दे हैव अ रियली बिग ग्लास ऑफ फालूदा, तो उतना एक आदमी नहीं खाएगा, तो इसलिए देन किड्स के लिए हमने मंगाया था आइसक्रीम. सो यस, दिस वॉज फॉर द लंच. एंड हम वापस होटल की तरफ जा रहे थे. अब होटल जाकर उसके बाद हमने इत्मीनान से बैठ के अच्छे से इंजॉय किया नाइट वाइब बिसाइड द पूल. अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद वी वेंट टू द रूम एंड वी स्लेप्ट. और फिर नेक्स्ट डे वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, जो कि बुफे ब्रेकफास्ट वी हैव ट्राइड फ्रॉम द होटल इटसेल्फ. एंड लुक एट द स्प्रेड, इतना लाइक आई जस्ट लव द स्प्रेड. इट वाज हैविंग एवरीथिंग, एवरीथिंग विच किड्स लव, और हम लोग जो चीज़ें खाते हैं, इवन दे वाज हैविंग इंडियन ऑप्शन आल्सो, हर चीज़ थी. एंड इट वाज गुड, द वेराइटी वॉज गुड. द बेस्ट पार्ट वॉज पैनकेक्स. पैनकेक्स वाकई बहुत अच्छे थे एंड एवरी वन एन्जॉयड द पैनकेक. मी एंड माई सिस्टर, एक्चुअली वी हम दोनों ही थे वहाँ पे, और बच्चे थे, बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, लाइक सॉसेजेस हैं. फिर 12 बजे तक हमने चेकआउट किया. फिर लंच के लिए वी वेंट फॉर मैकडोनल्ड्स, क्योंकि बच्चों को बहुत दिल बोल रहा था. एंड जिद्दा में मैकडोनल्ड्स में सब में बेस्ट इज ऑन द मेन्यू इज एशियन मिनी एशिया. मिनी एशिया बर्गर इज द बेस्ट. इट्स द स्पाइसी, इट्स एवरीथिंग लाइक जूसी, टेंडर. Then again, I have to leave for Riyadh back. I went only for 2 days and I enjoyed to the fullest with my sister. Hope you like my video. Please like, share and subscribe to my channel. And we are on Instagram as well.